भारतीय खेल प्रेमियों को रियो ओलंपिक में सोमवार को निशानेबाजी से पदक की काफी उम्मीदें होंगी। 2008 में भारत के लिए व्यक्तिगत वर्ग में पहला स्वर्ण जीतने वाले अभिनव बिंद्रा अपना हाथ आजमाते दिखाई देंगे। 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग शाम 5:30 बजे क्वालिफिकेशन के लिए उतरेंगे। वहीं मानवजीत सिंह संधू और किनान चिनाए दूसरे क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करके सेमीफाइनल और फिर फाइनल में स्थान बनाने की कोशिश करेंगे। सोमवार से तीरंदाजी में महिला रिकर्व की व्यक्तिगत स्पर्धा शुरू होगी। राउंड ऑफ 64 के इस मुकाबले में भारत की लक्ष्मी रानी मांझी का सामना स्लोवाकिया की अलेक्जेंड्रा लोंगोवा से होगा। सोमवार को ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगी। पहले मैच में आयरलैंड पर रोमांचक जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम का सामना दूसरे मुकाबले में मजबूत जर्मनी के साथ होगा। तैराकी में भारत के दो तैराक सोमवार को पूल में उतरेंगे। महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल में भारत की शिवानी कटारिया हीट में भारत का नेतृत्व करेंगी। वहीं पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई हीट में देश के सर्वश्रेष्ठ तैराक सजन प्रकाश खुद को साबित करते दिखाई देंगे। रियो से तेजिंदर सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।